हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुलिस्ता सिद्दीकी। आप सभी ने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। थंबनेल में क्या लिखा है, धसी हुई आंखों के लिए मसाज कौन सी करें जिससे आपकी जो आंखें धसी हुई हैं वो अच्छी हो जाएं और विजिबल नजर आए और आपकी आंखें बहुत ज्यादा शाइनी एंड चमकीली हो जाएं। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ ऐसी मसाज जिससे आपकी धसी हुई आंखें, आपके आंखों के नीचे पफिनेस या फिर आपकी आंखों के नीचे जो भी डार्क सर्कल होंगे वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे अगर आप ये मसाज रेगुलर करते हैं तो। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि धसी हुई आंखें क्यों हो जाती हैं, इसका क्या रीजन है। सबसे पहले रीजन जानना बहुत जरूरी है गाइस। कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी मसाज करने से पहले ये पता होना जरूरी है कि वो चीज क्यों हुई है आपकी आंखों में या फिर किस क्या रीजन हो सकता है उसका। सो गाइस, सबसे मेन कॉज है एज फैक्टर। जब हम बूढ़े हो जाने लगते हैं तो हमारी आंखों के नीचे की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो हमारे आंखों के नीचे जो टिश्यूज होते हैं उन प्लास्टिसिटी लूज हो जाने लगती है उम्र के साथ साथ, जिसकी वजह से हमारी आंखें ऑर्बिट के अंदर धंसने लग जाती हैं। सो ये एक नॉर्मल एक एज रिलेटेड कंडीशन है। सो अगर इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं और उसकी वजह से आपकी आंख जो विजिबल होती है वो ऐसा लगता है कि वो धसी हुई है। इसलिए स्ट्रेस एक मेन कॉज है आपकी आंखों के धंसने का। थर्ड मेन रीजन है, अगर आपकी आंखों में काफी समय से एलर्जी और आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो वो एलर्जी आपकी आंखों के नीचे काला निशान छोड़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी आंखें धसी हुई नजर आने लगती हैं और आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाते हैं और आपकी आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी आई बहुत ज्यादा बुरी नजर आती है और फेस का लुक भी खराब कर देती है। फोर्थ रीजन है स्लीप, लैक ऑफ स्लीप। अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं सोते हैं, अगर आप रात भर मोबाइल चलाते हैं और आपने प्रॉपर टाइम से नींद नहीं ली है तो उसकी वजह से भी आपके आंखों के नीचे गड्ढे हो सकते हैं, आपकी आंखों के नीचे काले घेरे बन सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी आईज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और आप काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं और स्ट्रेस से और ज्यादा इसमें सोने पे सुहागा हो जाता है। इसलिए अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो आपको प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है। आप टाइम से सोइए, मोबाइल रात को मत यूज कीजिए, लाइट ऑफ करके बिल्कुल यूज मत कीजिए, अदरवाइज आपके स्किन में ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू बनी रहेंगे। फिफ्थ आता है प्रॉपर पानी नहीं पीना। पानी की कमी से क्या क्या बीमारियां नहीं होती हैं गाइस, बहुत ऐसी बीमारियां होती हैं आपकी बॉडी में अगर आप प्रॉपर पानी नहीं लेते हैं। इसीलिए कहते हैं सबसे ज्यादा पानी पीजिए, आपकी बॉडी की जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है वो सब निकल जाएगी। अगर आप प्रॉपर पानी लेते हैं, पानी पीते हैं तो आपके आईज के नीचे जितने भी डार्क सर्कल हैं और जितने भी गड्ढे हैं वो सब ठीक हो जाएंगे अगर आप प्रॉपर पानी पीते हैं। इसलिए दिन में 2 से 3 लीटर पानी तो पीना बहुत जरूरी है। अगर आप 2 लीटर भी पी लेते हैं वो भी आपकी बॉडी को पूरा हाइड्रेट रखेगा, आपकी आईज को हाइड्रेट रखेगा और आपके आईज में ड्राइनेस जैसी दिक्कत नहीं होने देगा। इसीलिए गाइस आपने प्रॉपर पानी पीना है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं हमें कौन सी मसाज करनी चाहिए जिससे हमारे आंखों के नीचे के गड्ढे और हमारे आंखों के नीचे का कालापन ठीक हो जाए। सो गाइस, सिर्फ ये एक्सरसाइज कर लीजिए आप, इससे आपके आईज के गड्ढे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सो आपने क्या करना है, ऑयल लेना है, ठीक है। आपने विटामिन ए या विटामिन ई वाला ऑयल लेना है, एलमंड ऑयल ले लीजिए या फिर ऑलिव ऑयल ले लीजिए, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपके आईज के लिए। ये आपके आईज के न्यूट्रिशन देंगे और आपकी मसाज ऐसी चीज है जो आपके आईज के नीचे की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगी और उससे आपके आईज को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा और आपके आईज में जितने भी गड्ढे वाली प्रॉब्लम है वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। इसीलिए मसाज बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने ऑयल ले लिया है, पैम को बहुत अच्छे से रब कीजिए, इसमें हीट हो जाएगी आपके पाम में। तो आपने ऑयल लेना है, अपने फिंगर टिप्स पर भी ऑयल ले सकते हैं। देन ऑयल लेने के बाद अपने आईज की इस तरीके से मसाज कीजिए, सर्कुलर मोशन में अपने आईज की मसाज कीजिए। ये ध्यान रखिएगा आपकी आईज में कोई भी ऑयल या फिर कोई भी केमिकल नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज आई में इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए आप कुछ भी अपने आईज में लगा रहे हैं तो क्लोज करके लगाना है। इसी तरीके से अपनी आईज की मसाज कीजिए। आप ये फिंगर्स हैं इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऑयल लगाने की बात करना है, आपने विटामिन ई या विटामिन ए वाला ऑयल लेना है एंड इसी तरीके से अपने आईज की मसाज करनी है। मैंने आपको बता रही हूँ ना कि आपने फिंगर्स लेनी है, देन इस तरीके से आपके जितने भी टिश्यूज होंगे उनकी इलास्टिसिटी अच्छी हो जाएगी और आपके आंखों के नीचे जितने भी गड्ढे होंगे वो ठीक हो जाएंगे। आपने इसे कम से कम 15 मिनट तक करना है।
ठीक है, इस तरीके से 15 मिनट तक करना है। देन उसके बाद अपर आईलिड्स में इस तरीके से करना है। आप दो फिंगर की टिप्स ले सकते हैं, इस तरीके से ऑयल लेना है, देन अपनी आईज की इस तरीके से मसाज करनी है। इसे भी 15 मिनट तक कीजिए, आपकी आईज में आपको खुद को ही फर्क देखने को मिलेगा। देन उसके बाद क्या करना है, ये फिंगर टिप लेनी है, देन इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में करना है, अपलिफ्टिंग करनी है इस तरीके से। तो आपके जितने भी टिश्यूज हैं उनमें इलास्टिसिटी अच्छी हो जाएगी और आपके जितने भी गड्ढे वाली प्रॉब्लम है वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। सो अपलिफ्टिंग करनी है आपने इसी तरीके से, कंटिन्यू इसी टाइप से इस आंख में करना है और इसी तरीके से इस साइड करना है, तो आपको खुद फर्क देखने को मिलेगा अपनी आईज में। फिर क्या करना है, अपनी पाम को इस तरीके से रब करना है, देन उसके बाद अपनी आंखों पर लगा लेना है। इससे क्या होगा, हमारे हाथों से जो भी हीट निकलेगी, हमारे आंख के जितने भी म्यूबियन ग्लैंड्स ब्लॉक हो रखी हैं, जो अच्छे से ऑयल सिक्रीट नहीं कर रही हैं, वो ऑयल सिक्रीट करेंगे, उससे आपके आईज का मॉइस्चर अच्छे से बना रहेगा और आपके आईज में ड्राइनेस के चांसेस भी कम हो जाएंगे और जिससे आपकी आईज में एलर्जी नहीं होगी और आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे नहीं बनेंगे। सो आपने पाम को इस तरीके से रब करना है, देन अपनी आंखों के ऊपर लगा लेना है। ये भी कंटिन्यू आपने 15 मिनट्स तक करना है। 10 मिनट्स तक कर लीजिए, बहुत है आपके लिए। अगर आप 10 मिनट्स तक ये सारी मसाज या एक्सरसाइज कर लेते हैं तो इससे आपके आईज में जितने भी गड्ढे वाली प्रॉब्लम है, जितनी भी दिक्कत है, वो सब ठीक हो जाएगी। इसके बाद आपने डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है गाइस। डाइट अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आपको ये सारी दिक्कत होएंगी नहीं। तो आपने डाइट में विटामिन ए लेना है, विटामिन सी लेना है, विटामिन ई लेना है, ये सारे पोषक तत्व अगर आप ले लेते हैं तो आपके आईज में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। विटामिन ए के लिए आप गाजर ले लीजिए, विटामिन सी के लिए आप खट्टे फ्रूट्स ले लीजिए, मौसमी ले लीजिए, ऑरेंजेस ले लीजिए, पपीता ले लीजिए, और भी बहुत फ्रूट्स हैं जो आप ले सकते हैं। इससे आपके आईज में और आपकी जो बॉडी हेल्थ है वो भी अच्छी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताएं। बाय बाय गाइज, थैंक यू।